अकीदत के साथ अदा हुई अलविदा की नमाज, मस्जिदों में उमड़ी रोजेदारों की भीड़। अलविदा की नमाज के बाद मांगी गई दुनिया में अमन व अमान की दुआ। अलविदा की नमाज अकीदत के साथ अदा किया गया। अलविदा की नमाज के बाद मस्जिद के इमाम ने रमजान के रोजों की अहमियत के बारे में बताया और रमजान की फजीलियत पर रोशनी डाली। इमाम साहब ने बताया कि कैसे नबी व सहाबा गर्मी की तपती धूप में रोजा रखते थे और इबादत किया करते थे। बता दें कि शहर के मुस्लिम इलाके रमजान माह में गुलजार हो जाते हैं। दिन में बंद रहने वाले होटल पूरी रात खुले रहते हैं। रमजान माह में नमाज रोजेदारों ने अकीदत के साथ अदा किया। ज़्यादातर रोजेदार पांचों वक्त की नमाज अदा करते रहे हैं और मस्जिदें नमाजियों से भरी हैं। रमजान माह में जुमे की अलग अहमियत होती है। चंदौसी की जामा मस्जिद के साथ साथ चंदौसी की बड़ी मस्जिद, राज मोहल्ले वाली मस्जिद, सुनहरी मस्जिद, पुरानी कचहरी वाली मस्जिद आदि मुस्लिम इलाकों में अलविदा की नमाज मस्जिदों में बड़ी अकीदत के साथ पढ़ी गई। नमाज से पूर्व उलेमाओं ने रोजे की अहमियत के बारे में बताया। अलविदा की नमाज के बाद दुनिया में अमन व अमान की दुआ की गई। मस्जिदों के बाहर पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। कहीं भी किसी भी मस्जिद के बाहर सड़कों पर नमाज अदा नहीं कराई गई। सारे नमाजियों ने नमाज को मस्जिदों के अंदर ही रहकर पढ़ा। मस्जिद के बाहर चंदौसी के उप जिलाधिकारी, क्षेत्र अधिकारी, कोतवाली प्रभारी मौजूद रहे। ये नमाज पढ़ी जा रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये बड़ी बरकतों का महीना है और आखिरी जुमा जो होता है इसे अलविदा कहते हैं। जिन लोगों ने रोजे रखे हैं अब वो रोजे विदाई का समय आ गया है। आखिरी जुमे को अलविदा कहते हैं। बड़ी बरकतों का महीना है और इस नमाज की बहुत चाहे तो लोग जो किसी वजह से रमजान नहीं रख पाते हैं वो अलविदा का रोजा ज़रूर रखते हैं और आखिरी रोजा है अलविदा को। अब रमजानों को विदा किया जा रहा है इसलिए आज अलविदा का दिन रखा जाए।